ये देखिए दोस्तों, बिना भिगोए और बिना सोक किए झटपट इंस्टेंट मूंग की दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट और स्वादिष्ट बनी है। आप भी इस तरीके से मूंग की दाल बनाएंगे तो ना खाने वाले भी आपसे मांग मांग के उंगलियां चाट के खाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इंस्टेंट और झटपट साबुत मूंग दाल बनाने के लिए यहाँ मैंने साबुत 1 कप हरे मूंग ली हूँ। साबुत मूंग पैन में डालकर हम इसे गैस पे रखेंगे और गैस ऑन करेंगे और इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे इस तरह चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे या फिर तब तक भूनेंगे जब यह दालों से खुशबू ना आने लगे और इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाने तक हम इसे भूनेंगे। और ये देखिए दाल का कलर हल्का चेंज हो गया है और दालों में से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने देंगे। और अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसे गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो रहा है, मूंग हमारे ठंडे हो गए हैं और ये देखिए यहाँ मैंने मूंग को अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लिया था। और अब हम इसमें मीडियम साइज का 1 टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे जिससे पानी हमारा जल्दी गर्म हो सके। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी डालना ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं। और अब कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे हाई फ्लेम पे 5 से 6 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। और 5 से 6 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे और इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है और अब हम इसका ढक्कन निकाल करके मूंग को चेक कर लेंगे। और ये देखिए मूंग हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है और इसमें ये देखिए दाल हमारे बिल्कुल परफेक्ट पके हैं। और अब हम इसमें तड़का लगाने की तैयारी करेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई लेके गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया, हम इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर हम तेल को भी गर्म होने देंगे। और ये देखिए तेल गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालकर गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और अब हम इसमें 1 तोड़कर तेज पत्ता डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और तेल में सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से एक बार चलाते हुए मिला लेंगे। तेल में बारीक कटा हुआ 1 प्याज डालेंगे और ये देखिए यहाँ मैंने 1 प्याज को बारीक काट ली थी। प्याज डालकर हम इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे या हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप पेस्ट की जगह बारीक कटे हुए अदरक और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी दाल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अदरक लहसुन डालकर हम इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और इसमें 7 से 8 कड़ी पत्ता डालेंगे। यहाँ मैंने कड़ी पत्ता का यूज़ किया है क्योंकि हम इस रेसिपी में गरम मसाला का यूज़ नहीं करेंगे और कड़ी पत्ता से बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर हम इसे भी चलाते हुए 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही भून लेंगे जिससे टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर हमारे अच्छे से भुन गए हैं और अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। हमने दाल में भी नमक डाला है इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ही नमक का यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा के लिए हम 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसमें बेसिक मसाले का ही यूज़ किया है, लेकिन इसका फ्लेवर और स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। और अब हम इसमें हाफ चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। जीरा पाउडर डालकर अब सभी मसालों को हम प्याज और टमाटर के साथ एक मिनट के लिए मिला लेंगे, जिससे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। हरे मूंग में आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो आप हरे मूंग की सब्जी, हरे मूंग की दाल और भिगोया हुआ हरे मूंग को ज़रूर खाया करें। इससे आपके शरीर में वीकनेस और खून की कमी को भी ये दूर करता है। हरे मूंग में बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। आप इसे सप्ते में 2 से 3 बार ज़रूर खाएं। और ये देखिए, मसाले हमारे टमाटर के साथ अच्छी तरह भुन गए हैं। और अब हम इसमें बॉईल किए हुए हरे मूंग डालेंगे। मूंग डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए मूंग में एक उबाल आने देंगे, जिससे मसाले के साथ मूंग हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएगा और मूंग में मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये देखिए, मूंग में उबाल आना स्टार्ट हो गया है और मूंग में तेल भी ऊपर की तरफ आ गया है। इसका मतलब है कि मसाले के साथ मूंग हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पका है। और ये देखिए, मूंग हमारा पक के तैयार हो गया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। इसमें नींबू का रस आप ज़रूर डालें, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। नींबू का रस डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और चलिए, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सब्जी खा के अगर आप बोर हो गए हैं, तो बनाइए इंस्टेंट हेल्दी और टेस्टी हरे मूंग। इस तरीके से झटपट साबुत मूंग आप एक बार घर पे ज़रूर बना के देखें। आपके साथ आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। और आप इसे बना करके रोटी, चपाती, पूड़ी, पराठा, चावल किसी के भी साथ खाएं। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस और स्वादिष्ट होता है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। डेली एक ही तरह के दाल खा के अगर आप बोर हो गए हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और चलिए, अब हम मिलते हैं अगले रेसिपी में।